देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है। और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। उनको एक तरीके के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है, और एक तरीके के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का और करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार करने के लिए, और वो भी 1 जून तक। 2 जून को क्या, उसके बाद क्या? कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। बेल या जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराध मुक्त हो गए। शराब घोटाले में आप दोषी हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और आप उसके सूत्रधार हैं, केस तो भी चल रहा है। मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ, 2014 में भी अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे, 2019 में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, 2024 में भी करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द इंटरिम रिलीज ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल अंटिल 2nd of June, एंड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैव बीन इंपोज्ड ऑन हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंपेनिंग एज़ टू व्हाट ही कैन से, व्हाट ही कैनॉट से। ही हैज आल्सो, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ईडी इवन टुडे एज द ओरल ऑर्डर वाज बीइंग प्रोनाउंस्ड रियली ट्राइड एंड आर्ग्यूड दैट देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन हिम सो दैट ही कैनॉट बी सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस केस, बट दैट सजेशन आल्सो वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। And no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Arvind Kejriwal, Jindabad! Arvind Kejriwal, Jindabad! Jindabad! Arvind Kejriwal, Jindabad! Is a blow on the face of Narendra Modi, of the BJP government. That government was trying all these months and months together to tarnish the image of a Delhi government chief minister. आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा पार्टी सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी भी उनका खुशी जाहिर किया है, और ये इंटरिम बेल में अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर निकला, ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस को इम्पिटेंस देगा, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस का जो कैंपेन है उसको और भी जोरदार करेगा।